शायद ए किस्मत है, उसने सोचा। किस्मत का लिखा कोई बदल भी नहीं सकता। वह मन ही मन पई सोची जा रही सी ते शिवम लगातार उसनों छूही जा रहा सी, पर वह बिल्कुल भी मूड विच नहीं सी ते ना ही वह किसी तरह की शिकायत कर सकती सी। अपने आप को बेवस ते लाचार महसूस कर वह सब करने तैयार सी जो शिवम उस तो चाहता सी, क्योंकि वह आदमी उसका होने वाला पति सी ते किसी किस्म का विरोध उसकी मंगनी तुड़वा सकता सी। इस दे नाल ही उसके परिवार उत्ते फिर तो मुसीबतों का पहाड़ टुट सकता सी। शिवम ने खुल के अपना मूँह खोलिया ते आख्या, थोड़ी देर खोलो इस नूं, तुहानूं पता होना चाहीदा है कि जांच का अर्थ की है, उसने कमजोर सुर विच बेहोशी ते मदहोशी नाल कहा। उसने इन्हां शब्दां नाल स्नेहा नूं होर ज़्यादा हैरान कर दिता। यह जानते हुए कि आदमी अपने संघर्ष ते टाकरे करके थोड़ा जिहा बेचैन होण लगा सी, स्नेहा नूं ना चाहुंदिआं होइआं भी आत्म समर्पण लई तैयार होना पिया। किन्नी अजीब गल है ना, अजे एक दिन पहला ही उसने अपने 18वां जन्मदिन मनाया सी, अपने बालग होने का जश्न मनाया सी, तो उसने सोचा भी नहीं सी कि जिंदगी उसनू इस दुराहे ते लै आवेगी कि एक बुढ़े आदमी दे अगे पक्के हुए फल की तरह उसनू परोस दिता जाएगा, इस अमीद चों कि उसनू चक सके तो उसके कर्जियां नू कर्ज तो मुक्ति दवा सके। उसनू कुछ भी मंगण का कोई भी अधिकार नहीं सी, सिर्फ उम्मीद आ कि थोड़ा कोमल हो सके तो उसनू असाधारण तौर पर तसीहे ना देवे। स्नेहा ने चादर नू छड़ दिता ते बिना कोई विरोध के नाल समर्पण कर दिता। यह सोचद्या होया कि उसनू अगले ही सैकेंड गद्दा कर देवेगा, पर वह हैरान रह गई। शिवम ने उसनू रजाई नाल ढक दिता ते बिना कुछ करे ही खड़ा हो गया, कपड़े पाए तो उतों जान लगा। वह हैरान रह गई, फिर उसकी आवाज़ नू अलोप होंदे सुनिया। वह जांदा जांदा कह गया, मैं जांच लिया है, तुसी साफ हो, बहुत साफ हो, तुहाड़े वर्गी पाक पवित्र रूह नहीं हो सकती जो अपने मापियां लई कुछ भी करन तैयार हो जाए। जदों तुसी सचमुच तैयार होवोगे मैं तुहाडे कोल आवांगा। ते उह हैरान रह गई। जदों उसने अपनी अखां खोलियां तो आदमी उत्थों जा चुका सी। सुनेहा ने काली विच लाइट लाई, उलझन विच सी कि उसदा मतलब की सी, किते उसने कुछ गलत नहीं कर दिता जिस नाल उसनू पछताउणा पवे, जां किते शिवम ने उसनू स्वीकार करन तों मना कर तां नहीं दिता। उसका पिछा करना चाहती सी पर उसने हिम्मत नहीं की। उसने कमरे के आले दुआले वेख्या, शिवम के इत्र की खुशबू के अलावा हवा में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। वह कुछ भी अजिहा नहीं छड़ के गया सी जिस नाल उसके बारे पता किया जा सके। स्नेहा ने 10-15 मिनटा तक इंतजार किया। जदों उसनू यकीन हो गया कि वह आदमी हुण वापस नहीं आएगा तो इसलिए उसने अपने कपड़े पा ले ते बाहर चली गई। अचानक उत्थे पत्रकारां दा एक वड्डा समूह पहला ही दरवाजे ते उसकी उड़ीक कर रहा सी, ते जिवें ही वह बाहर निकली तो किन्ने ही पत्रकार भज के कोल आए ते कैमरे दे फ्लैश उसके मुँह ते पैंदी, किन्ने ही माइक उसके मुँह कोल आ जांदे ने, देख के स्नेहा एकदम घबरा जांदी है। बाकी अगले भाग विच लेखक प्रवीण कौर, आवाज़ जस्सी संधू, फिर मिलदे हां इस दे अगले भाग विच।